शनिवार को जम्मू का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति पर होगी चर्चा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 जुलाई को जम्मू आएंगे और जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उनकी यह यात्रा इसलिए मायने रखती है क्योंकि निर्वाचन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूची को अद्यतन करना शुरू कर अन्य राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। IMD ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बारिश के बीच गुजरात में रेड अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मध्यम से भारी बारिश के पूर्वानुमान के बीच मंगलवार और बुधवार को उत्तर भारत के 15 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। गुजरात के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया क्योंकि IMD ने इस सप्ताह देश पर दक्षिण पश्चिम मानसून के हावी होने के बाद 3 जुलाई को राज्य में अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। स्थिरता और मानवाधिकार अनुपालन के लिए UN ने की भारत की व्यावसायिक प्रथाओं की प्रशंसा। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की व्यावसायिक प्रथाओं की प्रशंसा की है जिसमें स्थिरता पर उनके फोकस को उजागर किया गया है जिसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में निवेश के माहौल के लिए फायदेमंद माना जाता है। ये प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में प्रस्तुत मानवाधिकार और बहुराष्ट्रीय निगमों और अन्य व्यावसायिक उद्यमों के मुद्दे पर कार्य समूह की एक रिपोर्ट में आई है। कोविड के बाद भारतीय कपड़ा क्षेत्र में दिख रहे हैं सुधार, कंपनियों को ऑर्डर में रफ्तार का इंतजार। रिपोर्ट एवेंस पार्क की एक हालिया रिपोर्ट में पाया गया है कि कपड़ा उद्योग में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। वैश्विक खुदरा विक्रेताओं और ब्रांडों ने बताया है कि उनके इन्वेंट्री का स्तर कोविड पूर्व मानकों पर वापस आ गया है। हालांकि यह मांग पर सतर्क दृष्टिकोण को उजागर करता है क्योंकि परिधान कंपनियां ऑर्डर बुक की गति में वृद्धि का इंतजार कर रही हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक संगठन का बजट में कच्चे माल पर शुल्क दरें कम करने का सुझाव। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के शीर्ष निकाय इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICA ने कलपुर्जो के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को लेकर कच्चे माल पर शुल्क दरें कम करने की मांग की है। ICA ने भारत सहित 7 प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं में शुल्क दरों के अध्ययन के आधार पर यह सिफारिश की है। T20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम का होगा भव्य स्वागत, फिर स्टेडियम में सम्मानित किया जाएगा। T20 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम को गुरुवार को खुली बस में रोड शो के बाद यहां वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा। भारतीय टीम के गुरुवार को सुबह 6:20 पर नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। बाजार के लिए शानदार दिन, सेंसेक्स 545 अंक की तेजी के साथ 79,986 पर बंद। शेयर बाजार ने आज यानी 3 जुलाई को लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 80,074 और निफ्टी ने 24,307 का लेवल छुआ। कारोबार के अंत में बाजार रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स 545 अंक की तेजी के साथ 79,986 के स्तर, वहीं निफ्टी में भी 162 अंक की तेजी रही, ये 24,286 के स्तर पर बंद हुआ। देश के शीर्ष 18 राज्यों का राजस्व चालू वित्त वर्ष में 8-10% बढ़ने की उम्मीद। क्रिसिल। देश के शीर्ष 18 राज्यों का राजस्व चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 8-10% बढ़कर 38 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। साख निर्धारित करने वाली एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट में ये कहा गया। इन 18 राज्यों का भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 90% योगदान है। बीते वित्त वर्ष 2023-24 में इन राज्यों के राजस्व में 7% की वृद्धि हुई थी।